फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे पैटर्न प्रोग्रामिंग। तो ये पैटर्न प्रोग्रामिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पैटर्न के। काफी स्टूडेंट होते हैं जिनमें डाउट रहता है कि पैटर्न के प्रोग्रामिंग किस तरीके से करना है, बड़े टफ प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा टेम्पलेट दूंगा जिसमें कोई भी पैटर्न प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज आपको इस चीज को प्रिंट करना है, भाई नॉर्मल ट्राइंगल तो हम प्रिंट कर लेते हैं, अपर ट्राइंगल हो, लोअर ट्राइंगल हो, कुछ पिरामिड शेप हो। अगर मान लो ये इस तरीके से शेप आ जाता है आपके एग्जाम्स में, इस तरीके से शेप आ जाता है, तो आप अब किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करोगे, या ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, इसमें मेथड में कोई भी पैटर्न अगर आपके फाइनल एग्जाम में आता है तो आप उसको बना सकते हैं। आप इसको देखिए, इसके वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोग्राम करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हम इसको 3 स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप है कि आपको जो भी आपका पैटर्न दे रखा है उसको ग्रिड फॉर्म में बना लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब में एक ग्रिड फॉर्म बना लो, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालो। ये ग्रिड में मैंने पूरे रख दिए, पहले मैंने ग्रिड बनाई, उसमें हमने ये पैटर्न को रख दिया, उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग कर ली, और यहाँ पर भी कॉलम में नंबरिंग कर लो, और यहाँ पर रो में नंबरिंग कर लो। अब ये वैल्यू हो गई आई की, और ये वैल्यू हो गई जे की, यहाँ पर आपने स्टार को रख लिया है। अब आई और जे पर मेरे पास स्टार पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, और यहाँ पर मेरा एक स्टार है। अब इस चीज को मैं यूज करूंगा, यहाँ पर ये और ये इस पैटर्न में मुझे ब्लैंक स्पेस चाहिए थे, तो यहाँ पर ये एक ब्लैंक स्पेस को डिनोट कर रहे हैं। तो उसके बाद जब आपने ग्रिड बना ली, उसके बाद आप स्टेप 2 पर जाएंगे। स्टेप 2 पर आपको आई और जे की वैल्यू को लिखना है। आई और जे की वैल्यू को किस तरीके से लिखेंगे, हम आप आई की वैल्यू लेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ही आएगी, जो यहाँ पर लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5। अब आप जब जे की वैल्यू लेंगे तो आपको ये देखना है कि आई की करस्पॉन्डिंग जे की कौन कौन सी वैल्यू पे हमें स्टार प्रिंट करना है, वो वैल्यू यहाँ पर लिखना है। तो हम अगर 1 पे देखें तो 1 के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर आपने 2 जो है वहाँ पर स्टार प्रिंट होना है, तो ये आ गया। बाद अगर 2 में देखें तो 1, 2, 3 तीनों में स्टार है, 1, 2, 3। अगर आप 3 में देखो तो केवल 2 में स्टार है, तो यहाँ दिख गया 2। उसके बाद 4 में देखो तो 1, 2, 3, 5 में देखो तो 1, 2, 3। तो जहाँ जहाँ आपके स्टार प्रिंट होने हैं वो लोकेशन मैंने जे की फाइंड आउट कर ली। ये थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग है, हम इसको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में भी समझेंगे, ये पहले हम थोड़ा सा प्री प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस से हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि एक तरीके का फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं कि जिस फॉर्मूले के थ्रू हम अपने किसी भी पैटर्न को प्रिंट कर सकें। तो उसके लिए हमें ये पता लगाना जरूरी है कि कहां कहां हमारे स्टार आएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में आप देखिए, राइट द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे इन अपर एंड लोअर बाउंड। अपर एंड लोअर बाउंड का मतलब ये हुआ कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, आप एंड कहाँ तक कर रहे हो, वो सारी वैल्यूज को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्टार्ट 2 से कर रहे हो और एंड भी 2 पे कर रहे हो, तो मैंने लिखा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे लेस देन इक्वल टू 2। देखो आप 2 से 2 पे ही कर रहे हो, तो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 2 वो सेम रहा। यहाँ पर स्टार्ट 1 से कर रहे हो, जा 3 तक रहे हो, तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो ये तो हो गया उसका लोअर बाउंड और ये हो गया उसका अपर बाउंड। 2 के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम रहेगा, के लिए लोअर बाउंड इज 1 अपर बाउंड इज 3, फॉर इसके लिए लोअर बाउंड इज 1 एंड अपर बाउंड इज 3। अब देखिए इसको करने के बाद एक स्टेप 4 ये भी होता है कि आप यहाँ एक फॉर्मूला ड्राइव करो। फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता कि सपोज मैंने ये लिखा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर अगर मुझे कोई एक सीक्वेंस मिल रहा होता या मुझे यहाँ सीक्वेंस मिल रहा होता, मतलब इन दोनों में अगर एक सीक्वेंस मिल रहा होता मुझे, तो मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकता था। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, ये सारे रैंडम ऑर्डर में हैं, तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को यूज करके यहाँ पर मुझे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी।
यहाँ पर इस कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में ले चलते हैं। तो प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आप प्रिंट करते हैं कुछ स्टार को, वो इस स्टेटमेंट से आप कुछ स्टार को प्रिंट करते हैं इस तरीके से। आप प्रिंट करते हैं कुछ स्पेस को, तो आप स्पेस को प्रिंट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए कुछ कंडीशन होंगी जहां मेरे स्टार प्रिंट होंगे, कुछ कंडीशन होंगी जहां मेरे स्पेस प्रिंट होंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि एक इफ की कंडीशन है। कंडीशन अगर मेरी सेटिस्फाई कर रही है तो मेरे स्टार प्रिंट होंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो मेरे ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट होंगे। अब एक चीज और यहाँ पर देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा कंसेप्ट चल रहा है वो नेस्टेड लूप का कंसेप्ट है। तो नेस्टेड लूप में आपको पता है कि एक लूप जो है वो हम रो में स्टार को प्रिंट कराने के लिए लगाएंगे और एक कॉलम में नीचे आने के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दो फॉर लूप लगाते हैं। ये इनर फॉर लूप मैं पहले लिख रहा हूं, तो j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू। अब ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए हम यहां पर देखते हैं। यहां आप अगर देखें तो j की मैक्सिमम वैल्यू है 3 और i की मैक्सिमम वैल्यू है 5। तो जो j का लूप चलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी और जो i का लूप चलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी। चीज को अभी हम करते हैं, j की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गई, j प्लस प्लस, तो इसको हमने कर लिया और ये पूरा पार्ट जो होगा वो इसके अंदर आएगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, इन ब्रैकेट के बाहर, इसके बाहर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएगा, इस ब्रैकेट के बाहर आएगा एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट। ये आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्लैश एन। स्लैश एन से क्या होगा, हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा पहले पैटर्न प्रोग्रामिंग आनी चाहिए जब आप इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि ये बेसिक से नहीं बताया है, थोड़ा सा एडवांस है किस तरीके के दो लूप होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। बेसिकली मेरा ये था कि आप फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हो किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए, उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया। तो जो आई की मैक्सिमम वैल्यू थी वो 5 थी, इसीलिए इसको 5 तक चलाते हैं। सॉरी, और इस पूरे को भी हम लूप के अंदर कर देंगे, पूरे को आप लूप के अंदर कर दो। यहाँ दो लूप चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपके दो लूप चलते हैं। एक लूप आपका आई का चलता है, एक लूप आपका जे का चलता है। और जब अंदर वाला लूप आप तो फिनिश कर लेते हो तो आप यहाँ पर एक स्लैश एन लगाते हो जिसकी हेल्प से आप बाहर वाले लूप में चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल आ जाएंगे मेरे आई और जे। तो ये मेरा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम बन गया है। अब मुझे जो एक चीज डिफाइन करनी है वो डिफाइन करनी है कि इफ में कंडीशन क्या आएगी। यहाँ इफ में आप वो वाली कंडीशन रखोगे जो कंडीशन आपने अभी देखी थी, तो उस कंडीशन को मैं यहाँ पर रख दूंगा। उस कंडीशन को मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कंडीशन है इफ, यहाँ पर एक कंडीशन हम लगाते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 1 एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे लेस देन इक्वल टू 2। ये कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, मैं यहां से देख के यहाँ कंडीशन लिख रहा हूं, यहां से देखते जाइए। इफ, अगर ये थोड़ा छोटा हो रहा है तो मैं बोलता भी जा रहा हूं, इफ आई इज इक्वल टू is equal to 1 and j greater than equal to 2 and j less than equal to 2।
देखो यहाँ आप एंड जे इक्वल टू 2 भी लिख सकते थे, बट यहाँ क्योंकि यूनिफॉर्मिलिटी हो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर उसके बाद ये वाली कंडीशन आपकी आनी है, देखिए आई इज इक्वल टू 2 पे आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 पे हम आ जाएंगे। तो आई इज इक्वल टू 2 पे जो कंडीशन है वो कंडीशन है आपकी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसको बड़ा करके दिखाते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन आपकी ये आई, अगर आई की वैल्यू 1 है तो आपकी कंडीशन ये निकल के आ रही थी, हमने ये कंडीशन लिख दी। इफ आई की वैल्यू 2 है ये कंडीशन निकल के आ रही थी, ये कंडीशन लिख दी। हम और लगाते जा रहे हैं बीच में, और लगा दिया। हमें क्या करना है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस सबकी वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर देना है, और डिफाइन किस हिसाब से करना है, जो अभी आपने वैल्यू बताई थी उस वैल्यू के हिसाब से आपको डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पर जब हमारा थर्ड था तो यहाँ हम लिखेंगे आई विल बी इक्वल टू 3, और 3 में जो हमारी कंडीशन थी, 3 में आपको क्या करना था, यहाँ देखो आप 3 में आपको में जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे लेस देन इक्वल टू 2, मतलब जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है उसी को मैं ले लूंगा, और फोर्थ और फिफ्थ में सेकंड कंडीशन की तरीके से ही ये चलेगा। तो यहाँ पर मैं ये वाली कंडीशन को कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपकी दो कंडीशन और आई, वो दो कंडीशन हो जाएगी आपकी, यहाँ पर और लगाइए, और की कंडीशन में और आई इक्वल टू 4, यहाँ पर एक इक्वल टू और आएगा क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और यहाँ एंड आ जाएगा, और एंड आने पे ये वाली वैल्यू जो है हम ये सिंपली ये वाली वैल्यू कॉपी कर लेंगे यहाँ से जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से, ये वैल्यूज जो हैं यहाँ से कॉपी हो जाएंगी और यहाँ इन वैल्यूज को मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आई इज इक्वल टू 4 के लिए मैंने डिफाइन कर दिया, एंड यही चीज मैं आई इज इक्वल टू 5 के लिए भी कर दूंगा। तो आई इक्वल टू 5, तो यहाँ पर एंड कर दिया, और वही चीज जो मैंने वहां लिखी थी वहां इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर वही कंडीशन। अब इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए। तो ये प्रोग्राम पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया है, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ओके, यहाँ पर गेट सी एच नहीं लगा है इसलिए आपको आउटपुट नहीं आया, गेट सी एच लगा लेते हैं, एक स्टेटमेंट सी एल आर एस सी आर की और लगा देते हैं, CLR SCR क्लियर करने के लिए स्क्रीन को। तो अब यहाँ पर इसको रन कराते हैं, ये देखिए जो पैटर्न आपको चाहिए था वो पैटर्न मिल गया है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया। सो दिस इज द होल कंसेप्ट। थैंक यू।